बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। हर एक सिंगर का, हर एक म्यूजिशियन का एक सपना होता है कि उसे रिकॉग्निशन मिले, अवार्ड मिले। आज वो पल है और कुछ ही पल बाद, कुछ ही देर बाद आपको अवार्ड भी मिलने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हैं इसके लिए? सर, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी लाइफ का पहला अवार्ड है और चुलमुल ने जो मेहनत की थी उसके लिए अवार्ड मिल रहा था, ये तो बहुत खुशी की बात। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। कुछ आपने प्रिपरेशन किए जब आप स्टेज पर होंगे, जब वो ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट है आपके अंदर, कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, तैयारी कुछ नहीं की है, बस वो जो मौके पे होगा वही देखते क्या होगा। बट ये ट्रॉफी एक बार मिले तो एक बार बस उसको गले लगाने वाली फील लेनी है, बस यही है। सर यहाँ देखिए, यहाँ देखो भाई, अच्छा अच्छा आप हमें देख सकते हैं, ऐसा नहीं, ज्यादातर आपका इधर कीजिएगा और चले। हाँ ओके, ये जो गाना है काफी पॉपुलर हुआ था जिसके लिए आपको अवार्ड मिला, उसके बारे में बताइए। कब आपको ये गाना मिला और जब आपने ये गाना गाया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर, ये हमने 2013 में गाना लिखा, कंपोज किया बादशाह के साथ बैठ के। तो उसमें यही था कि हमने तीन गाने थे उस टाइम हमारे पास ऑप्शन में, तो फिर हमने इस पे ज्यादा ध्यान, क्योंकि इसमें ना एक अलग ही, जिसको भी सुनाया हमारे ग्रुप हो गया फ्रेंड, सबने यही कहा कि हाँ चलो मैं अलग बात है, क्योंकि इसमें बड़े कैची वर्ड्स हैं और राइमिंग बड़ी प्यारी, कंपोजिशन तो थी। तो फिर हमने चुल किया और चुल जो मेरा खुद की एल्बम में आया था उसमें इसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि पता था कि हाँ इस गाने में कुछ ना कुछ करना है जी। तो मोस्टली लड़के ने इसको बहुत लाइक किया था कि बस हमारे लिए उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया, ऐसा क्या कर दिया। लड़की का भी नाम है इसमें, कि लड़की इस मुझे ना अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चल सारी लड़कियों की बात है, तो लड़कियां बहुत खुश है इस गाने से, तो इसलिए फिर आले ने और इसमें आग लगाई है। और बाद में फिल्म ने भी इसे पिकअप किया और देखते देखते चार्ट बस्टर पे टॉप करने लग गया ये गाना। सर, जिस दिन हमने गाना दिया तो हमारा ये MTV पे एक्सक्लूसिव ओपन हुआ था जी। तो उस टाइम में क्या था कि हरियाणवी, मेरे हरियाणवी सॉन्ग था जी फर्स्ट, तो सबसे पहले खुशी ये थी कि ना हरियाणवी कॉन्सेप्ट, हरियाणवी कंटेंट MTV पे नेशनल चैनल पे खुल रहा है, तो सबसे अच्छी चीज तो ये थी। तो मतलब गाने में कुछ ना कुछ था, पहले दिन से सारी पॉजिटिव चीजें थी और विद इन 6 मंथ हमें पता लग गया था कि हाँ ये गाना मूवी में जा चुका है। तो सर, गाने में दम था, मेहनत थी जी, हमारी टीम की सच्चे दिल से जो सब लगे हुए थे, बस यही था कुछ। अच्छा, म्यूजिशियन बनने का रुझान आपके दिमाग में कब आया है? बचपन में ही आया या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर? नहीं सर, इंसिडेंट कोई नहीं, बचपन से ही है जी। स्कूल में है ना, होते हैं सब कैटेगरी के बच्चे, ये पढ़ाई वाले, ये लड़ाई वाले, ये गाना गाने वाले, ये डांसर है ना जी। तो कुछ मजबूरी में बन जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, स्कूल टाइम से हॉबी थी, पहले डांसिंग में थे, फिर मैडम जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते प्रिंसिपल, वो जबरदस्ती घुसाते, तो मेरे को ना मैं डांसिंग में जाता था, उन्होंने जबरदस्ती घुसाए थे इसमें। सुबह सुबह असेंबली में कुछ बेटा ये गा के सुनाओ ना, अपना पोएम वगैरह सुनवा दी, तो जब से थोड़ी आदत हो गई थी, फिर बचपन से स्कूल टाइम से हो गया था। शब्दों को जो सजाना कहते हैं, रैप करना, ये हाँ जी, ये टैलेंट कहाँ से निकल गया आप? सर, ये तो सब में होता है, बस ये कि कौन किस तरीके से करता है और कैसे करता है, ये तो आपके अंदर भी है, कोशिश करिएगा जी। अभी अभी बॉलीवुड फैटर्निटी से सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट किया है। अच्छा, इस गाने का आप क्या कहेंगे? अभी क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं सोनाक्षी, तो पता है इस गाने की बहुत पुरानी लवर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में जब हमने अपना, तो विद इन 10 डेज उन्होंने सुना, उन्होंने जब भी ट्वीट किया था कि हाँ आई लाइक दिस सॉन्ग, ऐसा वैसा, तो सोनाक्षी तो बहुत पुरानी लवर है इस सॉन्ग की। यहाँ तक कि अनुष्का ने कई बार, उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट किया है गाना, गाने के साथ डांस के साथ। अच्छा जी, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, आज देखते हैं, इतने बड़े बड़े फैन इस गाने के। सर तो, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है और बॉलीवुड में सबको अच्छा लग रहा है, तो इससे अच्छी बात हो गया सकती है, मेरे लिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, तो दैट्स अ गुड थिंग। पंजाबी गाने, हरियाणवी गाने और वहां से लेकर बॉलीवुड का सफर, आप किस तरह से आप डिफाइन करेंगे आप? सर, मेरा तो हरियाणा से बॉलीवुड तक का सफर है
और ज्यादा लंबा है नहीं, 1.5 घंटे की फ्लाइट है। नहीं सर, ये एक्चुअली क्या मेरा शुरू से ही था कि ना हरियाणवी करना है जी, तो हमने लिटिल बिट हरियाणवी हिंदी इसमें मिक्स करके बनाया जी, बिकॉज हमारे हमें करना था। तो ये था कि सबने एडवाइस किया पंजाबी करो कि फिर हमने कहा कि पंजाबी अब आती नहीं तो करे कैसे, और जब तक कोई चीज दिल से और तरीके से ना हो पाए तो फायदा क्या। फिर हमने इसलिए अपनी मदर टंग में क्या किया ना, हरियाणवी कोई कर नहीं रहा था, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम करेंगे तो हरियाणवी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये है कि अच्छा काम करो, चाहे वो हरियाणवी में हो, चाहे तेलुगु में, चाहे पंजाबी में, वो दिखता है। ज्यादातर कहा जाता है कि अच्छे रैपर्स देश के ज्यादातर हरियाणा की मिट्टी से ही निकल कर आया, ऐसा क्या खास है? आप कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? ऐसा है क्या सर? अच्छे रैपर्स नहीं सर, अच्छे बॉक्सर, स्पोर्ट्समैन, तो सारे हरियाणा में ही ज्यादातर वहां पे ही आ रहे सर। टैलेंट भरा पड़ा है, अभी आप देखना कितने और आने वाले हैं। अभी उनको पता नहीं, पहले गया था पहलवानी में पता लगा कि हाँ यहाँ पे पहलवान है, तो बैक टू बैक कभी सुशील तो कभी कोई है ना, फिर बॉक्सर में विजेंद्र, विकास, पता नहीं कौन कौन। तो अब म्यूजिक में अभी फाजिलपुरी है, फिर हसनपुरी है, फिर सिकंदरपुरी है, बहुत आएंगे भी, तो वेट कीजिए। हरियाणा की मिट्टी में एक अलग ही ताकत है। ओके, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन है तो ऑफकोर्स मार्केट में कॉम्पिटिशन तो बना रहता है। आप किसे आप एज अ कंपेटिटर आप मानते हैं? अपने आप को। ऐसा क्यों सर? अपने से कॉम्पिटिशन कर लो, इससे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या होगा? आप किसे करोगे? मतलब आज मैंने ये ड्रेस डाली तो सोचता हूँ कि ना कल इससे अच्छी होनी चाहिए, आज मैं अच्छा लग रहा था, अच्छा तो इससे अच्छा भी लग सकता हूँ, तो कल इससे कुछ अच्छा डालेंगे। अब जैसे चुल से मेरा कंपटीशन कि चुल इतना बड़ा हो गया, तो कोशिश ये है कि उससे बड़ा। आप कह रहे हैं अनुष्का, मैं चाहता हूँ मेरा अगला गाना ना सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो भी नए आए जब पुरानी उनको सबको पसंद आए, सारे एक्टर्स को, कोई हॉलीवुड में भी कोई सुन ले तो अच्छा रहे। तो अपने आप से कॉम्पिटिशन कर लो, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आगे आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? किस तरह के गाने, गानों के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं? सर मेरे प्रॉपर हरियाणवी सॉन्ग रहेंगे जी, और मैं आगे भी हरियाणवी करूंगा, पहले भी करें, और बस अच्छे गाने करने। अपने फैंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को ये मैसेज है, दिस इज योर बॉय फाजिलपुरिया एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग हरियाणवी बॉय। हरियाणवी लैंग्वेज को सपोर्ट करो, हरियाणवी म्यूजिक को। सो गाइज गेट रेडी फॉर माई न्यू सॉन्ग। Thank you so much for talking to us and wish you all the best. Thank you sir. Thank you so much. इसमें ना यार दो कट और डाल दे। हाँ एक तो गाना आया था रणदीप हुड्डा के साथ में। जा रोली। अच्छा रणदीप हुड्डा के साथ आपका एक गाना है, उसके बारे में कुछ बताइए। रणदीप हुड्डा के साथ सर मैं उनकी मूवी लाल रंग का गाना था, तेरे पे मैं कर दूँ खर्च करूँ, तो उसका रैप मैंने किया था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को रणदीप हुड्डा के साथ काम कर, बिकॉज वो भी हरियाणा से हैं, और मतलब वो भी पूरे डाउन टू अर्थ थे क्योंकि हरियाणा के होते ही डाउन टू अर्थ जी जी। तो बहुत मजा आया, गाने का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, और गाने की बड़ी प्यारी लाइन थी जो मेरी थी ना, रगड़ में चैन तू मोटी ले ले, हर चौक पे कोठी ले ले, एक बार तू हाथों कर दे रकम चाहे तू मोटी ले ले, खर्च करोड़ में कर दूरी छोरी, एक बार तेरे कहने पे हीरे जैसा यार है तेरा, क्यों मर रही है गहने पे। Wow. So, absolutely nice. वैसे ही वो एक periodic film थी, लेकिन आपने rap के साथ यही था कि modern connect भी डाल दिया। हमारा जब producer से मिले तो उन्हें कह रहे कि ना movie में सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा ना एक rap type गाना चाहिए, तो इसमें rap डालो आप। उनका ये ना slow version था, तो इसमें फिर हमने काम किया, तो रणदीप हुड्डा ने भी इसमें rap किया, because वो कह रहे थे यार मैं भी करता हूँ, तो उन्होंने भी इसमें rap किया। Okay. अभी एक नया गाना आने वाला है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए, उसका कुछ प्रोडक्शन चालू है? हाँ जी, कल ही मेरा शूट कंप्लीट हुआ है, और कुछ शॉर्ट्स उसके रह रहे हैं जो कल होना है। गाने का नाम है जिम्मी चू, और ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगस्त में हम उसको लॉन्च कर देंगे, और वो भी हरियाणवी सॉन्ग है। ऐसे सिंगल लॉन्च, सिंगल वीडियो? यस सिंगल वीडियो, और उसमें सरप्राइज है, हमारी एक फीमेल सिंगर है प्रियंका, हम उनको लॉन्च कर रहे हैं इसमें। So, ये भी हरियाणवी ट्रैक बड़ा अच्छा है। हमारे एक फोक सॉन्ग होता था कि नंदी के बीरा, मन चुनड़ दिला दे रे ओ नंदी के बीरा, इसको हमने मॉडर्न कर दिया, मन जिम्मी चू दिला दे रे ओ नंदी के बीरा। सो गाना तो प्यारा है ही, और वह सब तो प्यार चाहिए मेरे फैंस का। क्या आजकल जो फोक सॉन्ग है, स्पेशली हरियाणवी जो सॉन्ग है, बॉलीवुड के गानों जितना
उसकी लेवल का लोग लोग पसंद कर रहे हैं उन गानों को. एक्चुअली क्या सर, मतलब हरियाणवी उसको कह रहे हैं कि हरियाणवी चीजों को पसंद कर रहे हैं, हरियाणवी लैंग्वेज को, राइट. आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, दूसरे फोक सॉन्ग आप राजस्थान देख लिए, बंगाली देख लिए, लोगों की जुबान पर नहीं होते, लेकिन हरियाणवी गाने आजकल लोगों की जुबान पर है सर. वो अच्छे सॉन्ग्स होते थे, उनको प्रमोट नहीं किया, वो प्रमोट हो रहे हैं इसलिए उनको पसंद आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन. हरियाणा को पहले को इतना सुनता नहीं था, अब जैसे सुल्तान आ गया तो सलमान खान ने हरियाणवी कर दी तो पूरा देश सुन रहा है ना. तो ऐसे ही होगा कि एक बार जब कोई हवा चलती है ना, बॉलीवुड की आवाज इधर चलेगी जी जी, तो उधर ही चल देते हैं. तो ऐसे ही है. बॉलीवुड में ऐसे कोई एक्टर के नाम बताइए जिनके लिए आप गाना गाना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश या कुछ बताएं. सर ख्वाहिश ऐसी कोई नहीं है, पर हाँ जो दिल से हमें बुलाएंगे उनके लिए हम गाएंगे. ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि कोई पर्टिकुलर बुलाया गया, नहीं, जो दिल से बुलाएंगे, जो हमें कहेंगे कि हमारे लिए कीजिए, हमारी मूवी में काम कीजिए, हरियाणवी कंटेंट रहेगा, जिसको भी पसंद हो बताए, बिल्कुल करेंगे. ये बात अच्छी है कि आप फोक से कनेक्ट हो, आप हरियाणवी फोक से कनेक्ट हो. आमतौर पर अगर नेम या फेम की जरूरत होती है तो लोग कोई भी रास्ता अख्तियार कर लेते हैं. हाँ, सभी मोस्टली तो पंजाबी में जाएंगे, लेकिन हमारा ऐसा कुछ है नहीं, फेम जितना था बचपन से ही है, कोई इतनी खास जरूरत है नहीं. तो हरियाणवी इसलिए कर रहे हैं कि बस अब एक बार हरियाणवी लग गए, उसकी इज्जत हमारे हाथ में जी, तो हमें संभालनी, हमें छोड़ के भाग जाएंगे तो जो इंस्पायर हुए, जिनको मोटिवेशन मिली है, वो फिर क्या करेंगे. तो इसलिए सिर्फ हरियाणवी ही करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच सर. ओके सर, थैंक यू सो मच.